नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्याज की आड़ में अफीम की तस्करी, उच्छेद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टाउन में शुरू हुआ शहीदी जोड़ मेला, हजारों श्रद्धालुओं ने की शिरकत। मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे जिलेभर के इंजीनियर, जनता से मांगा सहयोग। बाड़मेर में गणेश उत्सव के धूम, मंदिरों में लगी रही भक्तों की भीड़, चारों तरफ जय गणेश की गूंज। और समाचार विस्तार से। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, इस कहावत को आज महसूस किया गया हनुमानगढ़ जंक्शन में। प्याज के दाम अब भी आसमान छू रहे हैं, फिर प्याज की आड़ में अफीम की तस्करी। पुलिस ने इस मासले को जैसे पहले भांप लिया था, लिहाजा प्याज से लदा ट्रक पकड़ा गया। प्याज से भरा ट्रक और उसमें सप्लाई हो रही थी अफीम, लेकिन आरोपी कानून के शिकंजे में फंस गए। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और ऐसा ही हुआ। प्याज से भरा ट्रक हनुमानगढ़ जंक्शन से होकर जा रहा था। थाना प्रभारी भंवरलाल ने ट्रक को रोका, पूछताछ की। चालक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने उसे रोक लिया, कैबिन की तलाशी ली गई तो अफीम से भरा एक थैला मिला, जिसमें करीब 158 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और जंक्शन थाना परिसर में ट्रक खाली करवाया गया। SP कैलाश चंद्र बिश्नोई के मुताबिक तीन आरोपी पकड़े गए हैं। पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई थी, जिसमें सवेरे अपने थानाधिकारी जंक्शन द्वारा एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें 158 किलो अफीम, दो मुलजिमान ट्रक में, और उस ट्रक को जो एस्कॉर्ट किया जा रहा था एक स्विफ्ट गाड़ी द्वारा, उस गाड़ी में भी एक मुलजिम को जो अफीम सप्लायर है, इन तीनों को पकड़ा गया। इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अफीम तस्करों का गिरोह इस क्षेत्र में सक्रिय है। चित्तौड़गढ़ से वे अफीम की तस्करी कर पंजाब में जाकर सप्लाई करते हैं। दो आरोपी बेंगू चित्तौड़गढ़ के हैं और गिरोह का सरगना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो अब पुलिस की हिरासत में है। SP के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। दो आरोपी बेगू चित्तौड़गढ़ के रहने वाले और एक जो अफीम सप्लायर है वो नीमच मध्य प्रदेश का रहने वाला, ये पंजाब में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। आगे अनुसंधान में स्थिति क्लियर की जाएगी। ट्रक प्याज से भरा हुआ था, उसके कैबिन में थैलियों में इन अफीम को भरा गया था। हनुमानगढ़ टाउन में शहीदी जोड़ मेला शुरू हो गया, इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पंजाब की सिख संगत शामिल हो रही है। इसके साथ ही कई सिख हस्तियों ने भाग लिया। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले के प्रमुख मेलों में शुमार ऐतिहासिक जोड़ मेला शुरू हो गया। दीवान सजाए गए, आज अखंड पाठों की लड़ी का समापन भोग के साथ हुआ। राजकीय फोर्ट स्कूल खेल मैदान में समागम हुआ, जिसमें अकाली बूढ़ा दल के पंजवा तख्त के सिंह साहिब बाबा बलवीर सिंह, अकाल तख्त के जथेदार साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह, सतनाली साहिब के बाबा रुपिंदर सिंह, बाबा तारा सिंह झाड़ साहिब वाले पंडित गिरधारी लाल, बाबा अवतार सिंह, हरभजन सिंह, जसवंत सिंह, सुखचैन सिंह आदि हस्तियों ने शिरकत की। उन्होंने सिख पंथ के गौरवशाली इतिहास का बखान किया। उन्होंने कहा कि कुर्बानियों का गौरवशाली इतिहास है सिख पंथ, हमें अपने अतीत को याद कर देश में धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। स्टेट सेक्रेटरी बलजीत सिंह बिल्ला के मुताबिक मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖੋਤਰੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾਂ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਾਵਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਵਸੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੜਤਾਲ ਪਰ ਰਹੇਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਐਚਡੀ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਦਿ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਮਕਾਜ ਸੇ ਦੂਰ ਰਹੇਂਗੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਅਬ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾ ਨਿਰਣੈ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਹੈ। फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स के बैनर तले अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 10 सितंबर को पूरे राज्य में इंजीनियर्स सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राज्य व्यापी आह्वान के तहत जिले के अभियंता भी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जिला संयोजक राकेश वर्मा ने बताया कि विकास में अभियंताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और तकनीकी से ही विकास संभव है, लेकिन राज्य की गहलोत सरकार ने वादा खिलाफी की जिससे इंजीनियर्स पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए आत्मसम्मान के लिए इंजीनियर्स को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक इंजीनियरिंग विभाग में प्रत्येक स्तर पर केंद्र के समान वेतन भत्ते प्रत्येक अभियंता को 6, 12, 18, 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला और निर्माण विभाग एवं उपक्रमों में कार्यभार के अनुरूप कैडर रिव्यू कर पदोन्नति की जाने की मांग इंजीनियर्स कर रहे हैं। इन 3 सूत्री मांगों को लेकर अभियंता 24 मई से आंदोलनरत हैं। 30 मई की रैली के बाद राज्य सरकार से वार्ता भी हुई, लेकिन एक सप्ताह इंतजार के बाद कोई सार्थक परिणाम नहीं मिले, जिससे राज्य भर के इंजीनियरों में आक्रोश है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सहारा भी कारगर साबित नहीं होने पर इंजीनियरों ने 10 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया। सामूहिक अवकाश में पेयजल, जल संसाधन, विद्युत निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यूडीएच, कृषि आवासन मंडल, जिला परिषद व अन्य विभागों में सामूहिक अवकाश रहेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जल संसाधन विभाग के सह संयोजक अशोक काजला, रवि सुमन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सह संयोजक हंसराज सिहाग, विद्युत वितरण विभाग के सचिव मांगीराम विश्नोई, जन स्वास्थ्य विभाग के मेजर सिंह ढिल्लो भी उपस्थित थे। जनता से इस संबंध में खेद व्यक्त करता हूं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जनता परेशान हो, लेकिन सभी विभाग के इंजीनियर्स समाज सेवा के रूप में ही कार्य करते हैं, जनता के लिए ही कार्य करते हैं। आज हम जनता से भी हमारा जो है सहयोग अपेक्षित है, किसी भी असुविधा के लिए हम दिल से खेद व्यक्त करते हैं, परंतु हम इस आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। हमने कुछ नहीं मांगा, 3 सूत्री मांग है हमारी, जिसमें से एक को तो मांग कहीं ना चाहे, जिसमें पहली है राजस्थान के प्रत्येक इंजीनियरिंग विभाग में प्रत्येक स्तर पर केंद्र के समान वेतन भत्ते दिए जाएं। ये मांग नहीं कही जा सकती, क्योंकि अशोक गहलोत साहब के घोषणा पत्र में ये सम्मिलित था कि केंद्र के समान वेतन भत्ते और वेतन दी जाएगी और उसके लिए वेतन विसंगतियाँ जो भी है उनको दूर किया जाएगा, परंतु अभियंताओं के केस में वेतन विसंगतियाँ और बढ़ गई हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि 1969 में कनिष्ठ अभियंता जो है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार के इक्विलेंट सैलरी लेता था, वेतनमान पाता था, और डिग्रेडिंग ऐसी हो रही है कि आज उसे तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर ला खड़ा किया। हनुमानगढ़ जंक्शन से दुर्गा कॉलोनी में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस उलझ गई है। पहले फाइनेंशियर हरविंदर सिंह की मौत को लेकर साधारण मर्ग रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन उसके परिजनों ने एसपी से मिलकर मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। 3 सितंबर को दुर्गा कॉलोनी निवासी हरविंदर सिंह की मौत हो गई थी। पहले तो परिजनों ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बाद में उन्होंने मृतक की पत्नी सुरेंद्र पाल कौर उर्फ छिंदू पर हत्या का आरोप मरते हुए मामला दर्ज करने की मांग कर दी। इस संबंध में आज वे एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई से मिले। गुरमेल सिंह के साथ उसके बाकी परिजनों ने एसपी को बताया कि हरविंदर सिंह के साथ
सुरेंद्रपाल कौर के संबंध अच्छे नहीं रहे। उन्होंने छिंदू के चरित्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे हरविंदर सिंह परेशान रहता था। 2 साल पूर्व छिंदू ने हरविंदर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला भी दर्ज करवाया था। इतना ही नहीं, छिंदू ने हरविंदर सिंह की हत्या की भी कोशिश की थी, जिसमें वह असफल रही थी। इस संबंध में हरविंदर सिंह पुलिस से शिकायत भी कर चुका था। परिजनों ने कहा कि पुलिस मामले की तह तक जाए तो समूचे प्रकरण का पर्दाफाश हो सकता है। एसपी ने कहा कि अगर उन्हें डाउट है तो वे मामला दर्ज करवाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आप जाइए, अगर आपको मर की जांच में संतुष्टि नहीं है तो 302 की रिपोर्ट दे दीजिए मर्डर। जिसके नाम से देना चाहते हो उसके नाम से आप रिपोर्ट दे दीजिए, आपको जांच कर लेंगे। मुलजिम बढ़ता है 100% गिरता है। ठीक सर, सर पहले उसके पहले एप्लीकेशन दी है एप्लीकेशन में पिछले साल भी उसका पत्नी से शक है ना, आप उसको प्रॉपर 302 की रिपोर्ट दर्ज करा। ठीक है, कोई दिक्कत, मर की जांच मत करो, प्रॉपर रिपोर्ट दर्ज करा दो। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, दूसरे अपने एविडेंस जो भी आप लोग पेश करना चाहते हो वो कर लो, मुलजिम बन जाते हो। एसपी साहब ने हमारे को कहा है कि आपको न्याय दिलाएंगे, थाने वाले तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज 5 दिन हो गए हम थाने के चक्कर काट रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल शक है, हमारी जो बीनी है उसी ने मारा है उसको। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCDs और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। भारतीय जनता पार्टी का सुराज संकल्प सम्मेलन मंगलवार को जयपुर में होगा। इसमें हनुमानगढ़ जिले से काफी संख्या में कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। सोमवार को अलग अलग गुटों में बटे कार्यकर्ता अपने नेताओं के नेतृत्व में जयपुर रवाना हुए। संयोजक बलवीर बिश्नोई के मुताबिक पूर्व मंत्री डॉ. राम प्रताप के नेतृत्व में करीब 2500 कार्यकर्ता रवाना हुए। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य पारुल मिढा के नेतृत्व में 100 कार्यकर्ता जयपुर रवाना हुए। टाउन स्थित NMPG कॉलेज में आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का सम्मेलन हुआ।
सम्मेलन में छात्र हितों की रक्षा के लिए कॉलेज इकाई का गठन किया गया। एनएमपीजी कॉलेज में आयोजित एसएफआई के सम्मेलन में सर्वसम्मति से कॉलेज इकाई का गठन किया गया, जिसमें नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष, महासचिव पद पर नासिर खान, उपाध्यक्ष आदित्य सिहाग, हनीस गदर व राहुल जाखड़, संयुक्त सचिव के लिए राजेश बिजानिया, इंदिरा सोनी, पवन शर्मा व भानु प्रकाश का चयन किया गया। सम्मेलन में उपस्थित एसएफआई के पूर्व तहसील अध्यक्ष अनिल सहारण व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हनी सिंह औलख ने बताया कि नई कार्यकारिणी छात्र हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करेगी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। एसएफआई कार्यकारिणी के अंदर 7 जनों का सेक्रेटरी रखा गया, जिसके अंदर कॉलेज के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, महासचिव नासिर खान, उपाध्यक्ष के अंदर आदित्य सियाग, हनीस गैदर और राहुल जाखड़ हैं, संयुक्त सचिव में राजेश बिजारणिया, भानु प्रताप, इंदिराज सोनी और पवन शर्मा इनका सेक्रेटरी बनाया गया और कॉलेज की नई कार्यकारिणी गठन की गई, जो एनएमपीजी कॉलेज के अंदर ये नई कार्यकारिणी अब काम करेगी। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज के पास बने हड्डा रूढ़ी को हटाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर पीसी किशन को बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज डायरेक्टर तरुण विजय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर को बताया कि कॉलेज के सामने एक तरफ सुरेशिया कॉलोनी है और दूसरी तरफ सिविल लाइन्स है और इनके बीच में हड्डा रूढ़ी बनी हुई है, जिस कारण आते जाते समय दुर्गंध आती रहती है, जिससे नागरिकों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। छात्रों ने जिला कलेक्टर पीसी किशन को बताया कि पूर्व में भी इस समस्या से आपको अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक हड्डा रूढ़ी को वहां से हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने कलेक्टर से जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर एनएमपीजी कॉलेज के अध्यक्ष विपिन सुथार, बेबी हैप्पी कॉलेज के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह, सत्येंद्र, रोहित अग्रवाल, पूर्व एनएमपीजी कॉलेज अध्यक्ष विजय पूनिया आदि शामिल थे। हमने कलेक्टर साहब और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि बेबी हैप्पी कॉलेज के पास में हड्डा रोड़ी बनी हुई है, जिसके कारण सिविल लाइन, सुरेशिया और बेबी हैप्पी कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र परेशान हैं। अगर ये शीघ्र अतिशीघ्र हड्डा रोड़ी हटाई नहीं जाती तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। नगर परिषद द्वारा 168 पदों पर की गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती का बेरोजगार वाल्मीकि संघर्ष समिति ने विरोध किया है। उन्होंने सारी प्रक्रिया का विरोध करते हुए चयन समिति पर धांधली का आरोप लगाया। बेरोजगार वाल्मीकि संघर्ष समिति के सदस्यों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि नगर परिषद ने 168 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में पात्र लोगों को दरकिनार कर अपात्र लोगों का चयन किया गया है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्टर के जवाब में असंतुष्ट होकर बेरोजगार वाल्मीकि संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने हमें जो संतुष्टिजनक जो आश्वासन नहीं दिया है, और हमने इस कलेक्टर साहब से ये चेतावनी भी दी है कि कल हम भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। Thank you.
गणेश उत्सव की धूम है। कई स्थानों पर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। 11 दिवसीय आयोजनों का आगाज हो गया। जंक्शन में स्टेशन रोड और टाउन में मराठा मंडल के सहयोग से उत्सव शुरू हो गया। विघ्न विनाशक और रिद्धि सिद्धि दायक गणेश, देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती के लाडले गणेश, लंबोदर गणेश, विनायक गणेश, विशेषताओं से परिपूर्ण है भगवान गजानन का जीवन। आज उनका जन्मदिन है। जंक्शन स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। वे गजानन को मनाने में जुटे रहे। भंडारे का भी आयोजन हुआ। जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव के तहत मूर्ति स्थापना की गई। इसमें स्वर्णकार समाज समिति के संरक्षक वेद सोनी, अध्यक्ष मोहनलाल सोनी, सचिव कुंदन सोनी, गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष बबलू सोनी, अशोक सोनी, विक्की सोनी, मनीष जागीर, विनोद चोटिया, अनिल मराठा, हनुमान मराठा और अरुण मराठा आदि मौजूद थे। प्रवक्ता मनीष जागीर के मुताबिक रोजाना सुबह और शाम आरती होगी और विशेष पूजन होगा। 18 सितंबर को विशाल भंडारा लगाया जाएगा और शोभा यात्रा के साथ मूर्ति विसर्जित की जाएगी। टाउन स्थित सोनी मार्केट में स्वर्णकार समाज और मराठा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में उत्सव की शुरुआत हो गई। प्रवक्ता कैलाश सोनी के मुताबिक मुंबई से भगवान गणेश की भव्य मूर्ति लाई गई है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना पूजन होगा। और ये जो मूर्ति लाई गई है, ये मुंबई से लाल बाग के बादशाह वहाँ से लाई गई है, लाल बाग के राजा के यहाँ से लाई गई है। और आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और ये 9 तारीख से लेकर 18 तारीख चलेगा। इसके मध्य जागरण भी होगा, लंगर भी लगाया जाएगा और अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। टाउन में भी दमकल प्रभारी अशोक शर्मा के सानिध्य में गणेश का 9 दिवसीय पूजन समारोह शुरू हुआ। शर्मा के मुताबिक मोहल्ले के लोग सुबह और शाम आरती में शिरकत करते हैं, इससे समाज में अच्छा संदेश जाता है। हम गणेश जी की हर साल पूजा करते हैं और हर साल ये 9 दिन तक लगातार पूजा चलती है। सुबह और शाम को आरती भी करते हैं और सुबह शाम इसका भोग भी लगाते हैं और 11वें दिन इसको विसर्जन करते हैं। सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय 17वीं व 19 वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता टीम को मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय 17 व 19 वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पदम जैन थे। समारोह का मन संचालन श्रीमती सरोज व्यास ने किया। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में श्रीमती सुरेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, जगतार सिंह, देवेंद्र पूनिया, सरोज व विनेश पूनिया का विशेष सहयोग रहा। 19 वर्षीय प्रतियोगिता में व्यापार मंडल कन्या माध्यमिक विद्यालय की टीम विजेत रही, जबकि 17 वर्षीय प्रतियोगिता में सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम ने बाजी मारी। प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि व समिति के अन्य अधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं खेल में सहयोग देने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमरनाथ सिंगला, गोपाल जिंदल, मोतीराम गर्ग, रविंद्र कुमार अरोड़ा, जोगेंद्र पाल, लखवीर सिंह मान, राजकुमार हिसारिया आदि उपस्थित थे। टाउन की नई थान मंडी में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व आज सुबह महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कथा का आयोजन 9 सितंबर से 16 सितंबर तक किया जाएगा। टाउन की पुरानी नगर पालिका स्थित हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। बैंड बाजों की धुन पर निकली कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाए। कलश यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया गया। मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा कथास्थल नई धान मंडी में जाकर संपन्न हुई। कथा का वाचन श्री स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य के कृपा पात्र सुदर्शनाचार्य जी महाराज फलाहारी बाबा अपने मुखारविंद से करेंगे। कथा रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।